जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं यह अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, बात कुछ दिनों पहले की है। मैं 3 दिन पहले एक सत्संग में गई थी तो वहाँ पर एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया और उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी से अगर कनेक्शन बनाना है तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन के थ्रू हम गुरुजी से कनेक्शन बना सकते हैं। तो संगत जी, मेरे दिमाग में वहीं से बस यही बात बस चल रही थी कि मैं गुरुजी से कैसे अपना कनेक्शन बना पाऊँ, क्योंकि मुझे भी जुड़े हुए गुरुजी से लगभग 1 साल के करीब हो गया है। टेलीपैथिकली यूट्यूब पे तो मुझे गुरुजी के मैसेज मिलते हैं, लेकिन एक जो डायरेक्ट कनेक्शन वाली बात होती है ना, कि डायरेक्ट हमें गुरुजी के से कनेक्शन हो जाता है, 1-to-1 कनेक्शन वाली जो बात होती है ना, वो मेरे साथ अभी तक नहीं हुई है। तो उस दिन सत्संग में जैसे आंटी जी ने बताया कि 1-to-1 कनेक्शन बनाना चाहिए, इसके लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, तो वो संगत जी मुझे नहीं आता है। मैंने बहुत कोशिश करी मेडिटेशन करने की, ध्यान लगाने की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी प्लीज़ मुझसे मेडिटेशन नहीं होता है, मुझसे ध्यान नहीं लगाया जाता है, मैं कैसे आपसे कनेक्शन बनाऊँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए कि मैं कैसे आपसे कनेक्शन बना सकती हूँ। फिर मुझे अगले दिन ही एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया और उनके सामने भी उन्होंने भी किसी उनके मन में भी ऐसी ही दुविधाएं चल रही थी, तो उन्हें भी किसी संगत सत्संग के थ्रू ये बात पता चली कि जब हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ध्यान लगाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, गुरुजी से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता है, कनेक्शन नहीं बन पाता है, तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं, कुछ निगेटिविटीज़ होती हैं घर में जो हमारे इस काम में अड़चन पैदा करती हैं, बस हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बाकी गुरुजी है ना सब संभालने के लिए। बस ये सब एक नेगेटिविटी के थ्रू होता है, जो जिसको गुरुजी लगे हैं हमारी अंदर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए गुरुजी बैठे हैं ना, हमें सब गुरुजी पे छोड़ दे रहा है। तो गुरुपा, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ ध्यान लगाने की, लेकिन प्लीज़ गुरुपा माफ़ कीजिएगा, मुझसे नहीं लग पा रहा है, जो भी निगेटिविटी है घर के अंदर मेरे अंदर, प्लीज़ गुरुपा इसको दूर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी प्लीज़ मुझे गुरुपा मुझसे कनेक्शन बनवा लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कैसे मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। तो यही मेरा सत्संग था। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग शेयर करते मैं गुरुपा मुझसे, संगत जी मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अंत में एक बार और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया और सही बात है, बिल्कुल बन जाएगा आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ, है ना। और नेगेटिविटी हमारे घर में ही नहीं, कई बार हमारे भीतर भी होती है संगत जी, तो हमें थोड़ा पॉजिटिव रह के सोचना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम अपने भगवान से प्यार करते हैं, मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप लिखते हैं, तो धीरे धीरे हमारी अंदर की नेगेटिविटी भी समाप्त होती है। और जब हमारी अंदर की नेगेटिविटी समाप्त होती है, सत्संग सुनने से बहुत फ़र्क पड़ता है लाइफ में, तो भी होते हैं हमारे साथ चमत्कार, मिरेकल। तो संगत जी, यदि आपके भीतर भी कोई नेगेटिविटी है, घर में नेगेटिविटी है, तो आप मंत्र जप करके, जल को अभिमंत्रित करके ज़रूर पीजिएगा और नहाइएगा भी ज़रूर, तो गुरुजी करेंगे कल्याण। और सत्संग को बराबर सुनते रहिएगा, सत्संग में मिलते हैं बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर और गुरुजी इसी तरह से करते हैं अपनी संगत का कल्याण। तो अभी एक छोटा सा सत्संग और शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और ये है रिटर्न में। संगत जी, हो सके तो आप ऑडियो ही भेजा कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी भाषा अलग होती है। कई बार वॉइस रिकॉर्डिंग करके जो आजकल टाइप चल रही है, इस तरह के भी सत्संग संगत जी शेयर कर रहे हैं, तो पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कि इसमें समझ समझ के पढ़ना होता है कि सामने वाला कह क्या रहा है, कई बार खुद भी समझ ही नहीं आता। तो
भूल चुक हो जाए गुरु जी तो क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना। अब मैं ये सत्संग भी एक साथ के साथ शेयर कर देती हूँ और गुरु जी की जैसी इच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू। सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझसे बोल रहे हैं, मैं और माता रानी दोनों तुम्हारे घर में आ रहे हैं। तो क्या हुआ, नवमी के दिन नवमी तिथि हो, उसी दिन गुरु जी बटरफ्लाई रूप में आए रूम में अचानक से, और माता जी की जब पूजा हुई तो माता जी बहुत अच्छे से आए। तो मुझे लगा हाँ, गुरु जी और माता रानी जी आ गए हैं घर में, आते रहते हैं। गुरु जी अपनी प्रेजेंस बटरफ्लाई के रूप में दिखाते हैं, हमेशा अपनी बेटी पर मेहर बनाए रखने के लिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू। इस घर में भी अपनी प्रोटेक्शन में रखने के लिए, इस घर के लोगों को अपनी प्रोटेक्शन में रखने के लिए, हमेशा सद्विचार से ही भावना, सबके प्रति अच्छे विचार मेरी रखने के लिए। और मेरी मम्मी की भी मेंटली स्थिति पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो गई है। वहाँ वह सबसे उनके संबंध व सबसे उनके संबंध अच्छे हो गए हैं और वह अच्छे से खुशी के साथ रहती हैं। आपने तो आज तक बहुत कुछ दिया है, हम ना समझ उनको पता नहीं है कि हम ना समझ हमको पता नहीं है कि हमें क्या क्या दिया है। आज जो कुछ भी दिया है उसका दिल से इनफिनाइट के लिए शुक्राना। बस हमने ही आज तक शुक्राना नहीं किया। थैंक यू, थैंक यू। हर जन्म के लिए शुक्राना, हर वेले के लिए शुक्राना, हर टाइम के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। अपनी बेटी को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना, सदा अंग संग रहने का शुक्राना। जिस घर में मैं रह रही हूँ उस पर अपनी मेहर बनाए रखने का शुक्राना। और तो बहुत सारे सत्संग होते हैं हर रोज़, मुझे अभी यही सत्संग शेयर करना था। प्लीज़ आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना यह सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। संगत जी का शुक्राना, शुक्राना। सबका भला, सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सो संगत जी, ये आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है। यदि आपके भी शुक्राना सत्संग है तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके आप भेज दीजिए 9548422997 पर। जय गुरु जी, गुरु जी करेंगे सबका कल्याण।